इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है? तो पहले सबसे पहली चीज़ तो ये इनडिटर्मिनेंट वर्जन है। आप न्यूमरेटर में अगर जीरो प्लेस करते हो ये मानते हुए कि ये लिमिट डायरेक्ट कैलकुलेटिव है, तो ए एक्स एक्स जब भी आप जीरो प्लेस करोगे एक्स जीरो हो जाएगा और एक्स कॉस एक्स एक्स की वजह से जीरो हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर आपका ज़ीरो आ रहा है। और डिनोमिनेटर साइन ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो डिनोमिनेटर साइन एक्स की वजह से ज़ीरो हो रहा है। तो क्लियरली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नलीफाई हो रहे हैं या ज़ीरो हो रहे हैं, तो ये फॉर्मेट ज़ीरो बाई ज़ीरो हो गई। तो पहली नज़र में ये डायरेक्ट कैलकुलेटिव नहीं है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब क्वेश्चन उठता है कि हम इनडिटर्मिनेंसी रिमूव कैसे करें। तो आपको यहाँ दिखना चाहिए कुछ पार्शियल वर्जन है, साइन थीटा मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स अगर आप अपीयर करा दो तो वो वन हो जाएगा, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर की आपकी डिनोमिनेटर का जो आपका इनडिटर्मिनेंसी है वो तो रिमूव हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और अगर हम इस तरह से वर्क करते हैं तो न्यूमरेटर भी सिंप्लीफाई होना चाहिए। तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन एक्स से एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बाई एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक। तो दैट लिमिट इज़ कन्वर्टेड एज लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस एक्स टाइम्स कॉस ऑफ एक्स होल अपॉन एक्स एंड देन बी साइन एक्स अपॉन एक्स। तो न्यूमरेटर को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर से एक्स कॉमन करके क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें। तो जब किसी एक को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों का ही डिनोमिनेटर है। तो कई बार होता है कि लोग किसी एक को ही कैंसिल कर देते हैं, इस एक्स को इस ए एक्स वाले एक्स से या फिर इस एक्स से, है ना, तो वो गलत स्टेप हो जाएगी। तो आपको कॉमन करके कैंसिल करना है, या दूसरा तरीका है कि आप डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, एक्स इसके नीचे भी कर दीजिए, ए एक्स के नीचे भी कर दीजिए, और एक्स आप एक्स कॉस एक्स के नीचे भी कर दीजिए। चलिए तो एक्स हम मान ले रहे हैं कि रिमूव कॉमन करके हम लोगों ने कैंसिल कर लिया, तो बच क्या जाएगा आपका न्यूमरेटर हो जाएगा ए प्लस कॉस ऑफ एक्स, और जो डिनोमिनेटर है आपका डिनोमिनेटर बच गया आपका बी साइन एक्स अपॉन एक्स। तो ये आपका न्यूमरेटर भी फाइनाइट दिख रहा है एज एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, जब एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर भी आपका क्या दिख रहा है, फाइनाइट, क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा ऐसे तो इनडिटर्मिनेंट है लेकिन साइन थीटा बाई थीटा स्टैंडर्ड लिमिट है, ये वन होती है, तो वहाँ से फाइनाइट दिख रही है। तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, चूँकि डिनोमिनेटर की लिमिट फाइनाइट है इसलिए हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट इस्तेमाल करके न्यूमरेटर की लिमिट अलग और डिनोमिनेटर की लिमिट अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट कहती है कि अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो जी एक्स नॉन जीरो लिमिट होनी चाहिए, तभी आप लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जी एक्स लिख सकते हो, लेकिन ठीक है। तो इसी तरह से चूँकि नीचे नॉन जीरो लिमिट है इसलिए हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, ठीक है, इस बी को बाहर कर लेते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये ऊपर भी दो चीज़ है, तो ये जब डायरेक्ट वैल्यू, चूँकि दोनों ही कैलकुलेटिव लिमिट हो गई, नीचे स्टैंडर्ड है ऊपर कैलकुलेटिव डायरेक्ट कैलकुलेटिव है, तो बता देते हैं ए प्लस कॉस ऑफ ज़ीरो और नीचे हो जाएगा आपका बी इंटू वन, और कॉस ज़ीरो आपका वन होता है, तो ये हो गया आपका ए प्लस वन अपॉन बी।